2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल चौपट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया। एक दो दिन बाद डीजल पेट्रोल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा परिवहन रोड से ही, रोड सड़क परिवहन के माध्यम से ही हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था सत्यानाश हो जाएगा, देश की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर मोटर व्यवसाय ऑल इंडिया लेवल पर गड़बड़ हुआ तो सारी व्यवस्था, इसी से व्यवस्था सब चल रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आरके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। बता दें कि आज हम फिर से प्रयागराज के मुट्ठीगंज में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि जब से अमित शाह का नया ट्रांसपोर्ट कानून संशोधन अधिनियम आया है, तब से बता दें कि देश के अलग अलग कोने में जो जितने भी ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बता दें कि इस समय देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों बता दें कि सारे आयात निर्यात बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस नए कानून ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में बता दें कि आज हमारे साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं और साथ ही बड़े वाहन चालक यानी ट्रक ड्राइवर्स भी हैं। इनसे बारी बारी करके हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इनके भाव विचार आप लोगों के समक्ष साझा करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल अमित शाह के द्वारा लिए गए इस फैसले से ये लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा नाराज़ हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे और आपके बीच। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पंडित परमानंद त्रिपाठी, सोंटा स्वामी के नाम से लोग जानते हैं जी। मैं मिनी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। जो नया ट्रांसपोर्ट कानून में जो परिवर्तन हुआ है, अगर कोई भी वाहन चालक सड़क में किसी की दुर्घटना करता है या हादसा करता है, अगर वह उस घायल व्यक्ति को छोड़कर मौके से भाग जाता है तो उस पर 10 साल की सजा, 7,00,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर अगर वह वाहन चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करता है तो 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस पर क्या विचार है आपके? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। एक्सीडेंट, हमारे ड्राइवर तो मेढक और सांप बिच्छू को भी बचा के चलते हैं, आदमी को मारना, एक्सीडेंट करना है तो सोचा ही नहीं जा सकता। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ तो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर अपनी जान बचा करके भागेगा, अगर नहीं भागेगा तो पब्लिक उस गाड़ी को भी फूंक देगी, ड्राइवर को ख़त्म कर देगी। तो ये इस जो कानून ला रहे हैं इसके तो हम बिल्कुल विरुद्ध हैं, ये गलत है, इसको बिल्कुल इसमें ख़त्म होना चाहिए। जो नियम पहले से ही चल रहे हैं बस वो बहुत पर्याप्त है। इसमें गलत क्या दिख रहा है सर आपको? इसमें गलत ये दिख रहा है कि एक्सीडेंट कोई करता नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे, चाहे वो हमारे गाड़ी वाले की गलती हो या सामने वाले की गलती है, किसी न किसी की गलती से, या कभी कभी किसी की भी गलती नहीं होती तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, मशीनरी फॉल्ट वगैरह कोई आ गया उसमें तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने पर कि ड्राइवर वहाँ खड़ा रहे गाड़ी लेकर के, ये बहुत ही अनुचित है, ऐसा नहीं, व्यवहार रूप में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, इस कानून को वापस लेना चाहिए या फिर इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए? इस कानून को पूरी तौर से वापस लेना चाहिए, पूरी तौर से वापस लेना चाहिए। और ये पता नहीं कैसा किसने ड्राफ्ट बनाया बिना सोचे समझे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद क्या विचार होंगे आप लोगों के? तो क्या विचार, क्या हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को अब ऑफ रोड किए रहेंगे, हम गाड़ी संचालित नहीं करेंगे। इसका परिणाम हमको बड़ी तकलीफ होगी कि इसका परिणाम आम जनता को भोगना होगा। वो कैसे? अभी मात्र 2 दिन स्ट्राइक के हुए, हमने ऑफ रोड अपनी गाड़ियों किया है। आप कल से देखिएगा कि तमाम चीज़ों में 20% की बढ़ोतरी होगी, तमाम चाहे साग सब्जी हो, महंगाई बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। आपको डीजल पेट्रोल अभी आजकल में भले मिल जाए लेकिन एक दो दिन बाद डीजल पेट्रोल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा परिवहन रोड से ही, रोड सड़क परिवहन के माध्यम से ही हो रहा है। और ये बताइए सर, तो कहीं ना कहीं अपने भारत सरकार की अर्थव्यवस्था ही तो ठीक होगी, महंगाई बढ़ जाएगी और ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा टैक्स लगेंगे तो जो है आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी? नहीं नहीं, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी नहीं बल्कि सत्यानाश होगा और चौपट होगा, तमाम
जगह त्राह त्राम हर लाइन में मच जाएगा, क्योंकि हम मोटर वाले, हम मिनी ट्रक ट्रक वाले इतना हजारों लाखों गाड़ियों से रोज परिवहन करते हैं, तब जाकर के रोजमर्रा के काम चलते हैं जनता के या पूरा देश का। इसमें अगर दो चार दिन भी गाड़ियां बंद हो गईं तो बहुत भयंकर महंगाई आ जाएगी। हम तो आदरणीय मोदी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर उनको इस ड्राफ्ट के बारे में अच्छी तरह नहीं मालूम है तो मालूम कर लें और इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, नहीं तो इससे देश की जनता और सब कोई बहुत परेशान हो जाएंगे। तो सर, जिस तरह से जब से यह कानून पारित हुआ है संसद में, तब से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, क्या इसका आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुछ असर पड़ सकता है? आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल चौपट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, क्योंकि हम करोड़ों की संख्या में हैं ट्रक वाले, मिनी ट्रक वाले, और एक एक गाड़ी के पीछे 10-10, 15-15 लोगों का परिवार है, चाहे वो मोटर मालिक हो, क्लीनर हो, ड्राइवर हो, सबके पीछे 10-10 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। जब सब परेशान हो जाएंगे तो फिर ये चुनाव और लोकसभा वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, एक कहावत है कि आम तो आम गुठलियों के दाम, यानी कि ड्राइवर तो परेशान ही है और साथ में अब ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, क्योंकि जिनके पास दो दो गाड़ियां, चार चार गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी यथा स्थिति तो वहीं पर खड़ी हो चुकी है। कहां से वो टैक्स देंगे और कहां से अपने ड्राइवरों की तनख्वाह देंगे और कहां से आयात निर्यात करेंगे और कहां से भरेंगे अपनी गाड़ियों की किस्त वगैरह। बहुत परेशानी होगी हर तरह से। अभी भी हम लोग प्रयागराज में कुछ भी नहीं है, न यहाँ कोई कल कारखाने हैं, न कोई वेयर हाउस और बड़े बड़े गोदाम हैं कि 150 गाड़ी के काम निकले। हम लोग यहाँ प्रयागराज में किसी तरह से ये परिवहन व्यवसाय को जिंदा रखे हुए हैं। आपको ये नहीं लगता सर कि इस कानून से फायदे भी हैं पब्लिक की सुरक्षा के दृष्टिकोण? कोई फायदा नहीं है, हम मोटर वाले भी पब्लिक हैं, पब्लिक से दूर नहीं है। अगर ये समझा जाए कि हम कोई आसमान से उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम भी पब्लिक हैं, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी घर वाले, रिश्तेदार, साथी संगी सब पब्लिक, हम लोग भी पब्लिक हैं। अच्छा सर, जब से यह कानून लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों में एक भय का माहौल हो जाएगा कि डर के मारे वो गाड़ी को नियंत्रण में चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे, कोई हादसा नहीं करेंगे, सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी? नहीं भय, किसी भी प्रकार के भय से व्यवस्था नहीं बनती। व्यवस्था सही करना है तो सही उसका नियम कानून, उसके रास्ते सही होने चाहिए। भय दिखा करके कोई व्यवस्था सही नहीं हो सकती, इस तरह से भय दिखाया जाएगा ये ठीक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं किया गया, आपकी कही गई बातों पर विचार विमर्श नहीं किया गया या फिर कानून को वापस नहीं लिया गया, आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? रणनीति क्या, हम लोग कुछ नहीं, अपना हाथ हाथ धरे बैठे हुए हैं। जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाएगा, नई घोषणा नहीं की जाएगी, हम रोड पर अपनी ट्रकों को, मिनी ट्रकों को लेके आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे भय के वातावरण में इतने बड़े ये काला कानून ही इसको कहा जाए, इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल है मेरा आपसे, हाँ, कि जब से यह कानून संसद में पास हुआ है तब से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है, ये तो आप देख पा रहे होंगे, क्या इसका आर्थिक व्यवस्था में भी कुछ असर पड़ सकता है? इसका पूरा आर्थिक व्यवस्था सत्यानाश हो जाएगा, देश की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर मोटर व्यवसाय ऑल इंडिया लेवल पर गड़बड़ हुआ तो सारी व्यवस्था, इसी से व्यवस्था सब चल रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सारा परिवहन का काम तो हम करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के लोग, हम गाड़ी वाले। और आपको बता दें, केवल ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोलने वाला ही ट्रांसपोर्टर नहीं, हमारे जितने गाड़ी वाले, जब तमाम चीज़ों का आना जाना ही रुक जाएगा, उसका बिक्री लेन देन ही रुक जाएगा, तो अर्थव्यवस्था तो रसातल जाएगी ही। इस पर केंद्र सरकार को, मोदी जी को, पूरे मंत्रिमंडल को जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए, बिना कहे ही रोडवेज वाले, अन्य कंपनी वाले, जितने भी ड्राइवर है, ड्राइवर से संबंधित मामला है ना, हर चीज़ें तो सारी गाड़ियां तो ड्राइवर ही चला रहे हैं, छोटे से बड़ी सारी गाड़ियां, चाहे विभागीय गाड़ियां हो चाहे प्राइवेट हो, तो गाड़ियां तो सब ड्राइवर अपने आप, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि
कि जाने अनजाने एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना दें, वो ऐसी क्षमता नहीं रहती। हम मोटर वाले खास तौर से प्रयागराज में रोज खाने कमाने वाले हैं, यहाँ काम नहीं है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, काम कम है। वैसे में ये कानून तो कोड में खाज का काम किया। एक तो कहीं कहीं ये नहीं लगता कि जो फैसला गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया गया है तो इन्होंने सीधा के सीधा बीमा कंपनियों को दरकिनार कर दिया है? अमित शाह द्वारा लिया गया है निर्णय बहुत बेतुका है, बहुत गलत है, इसको बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अमित शाह जी इतने बुद्धिमान, उनको राजनीति में चाणक्य की उपाधि मिली हुई है, फिर भी बिना सोचे समझे इस तरह से गलत निर्णय वो कर रहे हैं, ये तो गलत है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, को सही ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करें, इस निर्णय को बदलें, इसमें सुधार लाएं, और जैसा चल रहा था कानून वही पर्याप्त था, उसमें अब और संशोधन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि अमित शाह के द्वारा लिए गए फैसले के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। बताते चले कि 2 दिन ही हुए हैं जब ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर थे, ट्रक चालक थे, अपनी अपनी चाबियां संबंधित अपने ट्रांसपोर्ट मालिकों को देकर अपने अपने घर की तरफ चले गए हैं। तब से बता दें कि जो आर्थिक व्यवस्था है भारत की वो कहीं ना कहीं चरमराने लगी है। दोस्तों बता दें कि महंगाई का आलम बन गया है, यह निरंतर जनता में भी आक्रोश है इसका, और साथ ही ट्रक चालकों में भी। हालांकि आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।